जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पे निकाली गई है भर्ती हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर की ओर से, और यहाँ पर हर टाइप की वैकेंसीज हैं जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसके अलावा जो पूर्व सैनिकों के लिए कुछ पोस्ट हैं, मैं उसकी डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ कि वो विशेषकर नहीं बल्कि पूर्व सैनिकों के लिए ही रखे गए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी तरह की आपको जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है और सैलरी यहाँ पर 45,000 से लेके 1,42,400 रुपये दी जाएगी। पूर्व सैनिक जिन्होंने जो कि जेसीओ टेबल के हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास स्टैंडर्ड है या फिर 10th नहीं है वे तो आर्मी क्लास 1 जिन्होंने किया हुआ है, इक्विवेलेंट एयरफोर्स नेवी के अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में मोटरसाइकिल के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक वैकेंसीज हो गई है जो कि पूर्व सैनिकों के लिए है, और दूसरी वैकेंसीज भी यहाँ पे हैं जो कि पूर्व सैनिकों के लिए है। यह है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। पूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने भी जो भी आर्मी पर्सन आर्मी एयरफोर्स नेवी किसी भी रैंक में सर्विस की है, जो 10th पास अप्लाई कर सकते हैं वो इसके लिए अप्लाई 10th पास में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आपके पास LMB मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और भी यहाँ पे पोस्ट है जिसमें कि लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, 14 पोस्ट है जिसमें कि सभी कैटेगरी वाइज है डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। 25,500 से 81,100 रुपये सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है जो कि 47 वैकेंसीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बैचलर डिग्री और साथ में कंप्यूटर की स्पीड, इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी जो है 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। कुकी पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, 5 पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 35 पोस्ट है, और भी यहाँ पे पोस्ट है। इन सभी वैकेंसीज के लिए पूर्व सैनिकों को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अनुसार। यहाँ पर जितनी पोस्ट हैं सभी जो पोस्ट हैं पूर्व सैनिकों के रिजर्व हैं, जितनी भी पोस्ट है उसमें पूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, साथ में एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो उसकी डिटेल्स भी आप वेब चेक कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर की ओर से निकाली गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एडवर्टाइज जारी किया गया है, तो ये है एडवर्टाइजमेंट उनका, और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा लिंक के लिए, यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो संबंधित आपके सामने डिटेल्स ओपन